हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सातवें चरण की जो प्राथमिक बिहार शिक्षक बहाली है उसमें जो है कितने पद जो है मिलने की संभावना है। 94,000 छठे चरण की जो शेष पद बचे हैं उन्हीं के ऊपर ही पूरा वीडियो फोकस किया हुआ है और यहाँ पर सारा डाटा आपके सामने लिखा हुआ भी है और इसको जो है हम आपको पूरा समझाने जा रहे हैं कि सातवें चरण में आपको कितने पद जो है अभी जो 94,000 शिक्षक बहाली की जो भर्ती खत्म हो रही है उससे बच के मिलेंगे। तो जो भी शिक्षक अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पर जो इस वीडियो को बनाने के लिए जो डाटा लिया गया है उसमें जो आपका जो है 40,518 प्रधान शिक्षक के पद का जो सृजन किया गया था, जो एक लेटर जारी किया गया था बिहार सरकार बिहार शिक्षा विभाग महालेखाकार की तरफ से, उसको आधार बनाया गया है क्योंकि उसमें जो है पूरी डिटेल्स जो है दी हुई है। और ये डिटेल्स देखिए आपका जो है वर्ष 2006 से 2020 21 की अवधि में कुल जो स्वीकृत पद थे उनकी जो संख्या थी वो 1,65,336 बताई गई थी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ भी बकायदा इसको जो है लिख करके जो है तैयार किया है काफ़ी रिसर्च करने के बाद, तब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 2006 से लेकर के 2020-21 तक जो पदों पर भर्ती होनी थी वो 1,65,336 थी, जिसमें 1 से 5, 6 से 8, 10th और 12th ये चारों वर्ग की जो भर्ती इसमें है शामिल थी, ठीक है। शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं बता रहे हैं, शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं 1 से 5 और 6 से 8 में टोटल जो है 69,255 शिक्षक जो है नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, ये छठा चरण छोड़ करके। और 10th और 12th में टोटल मिलाकर के अभी तक जो भर्तियां हुई हैं 15,378 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। टोटल जो है 84,633 जो है शिक्षक अब तक जो है पदस्थापित हो चुके हैं 2006 से लेकर के 2020-21 तक, ठीक है। शेष बचे जो पद हैं उनको अगर घटाया जाए 1,65,336 में से 84,633 अगर हम घटा देते हैं तो 80,703 पद बच रहे हैं। अब इन 80,703 पद को ही 90,762 आप कह लीजिए और चाहे 94,000 शिक्षक बहाली कह लीजिए और इन्हीं पदों पर छठे चरण में भर्ती चल रही है। डाटा का थोड़ा हेर फेर है, मैंने कई बार वीडियो बनाया है इस चीज़ को लेकर के कि डाटा में थोड़ा सा गड़बड़ है, डाटा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डाटा है, ये आपका जो प्रधान शिक्षक पद के लिए जो लेटर जारी हुआ था अधिसूचना जो जारी की गई थी भर्ती को लेकर के, ये वहाँ से डाटा लिया गया है। ये जो 90,762 जो पद छठे चरण में बताए जाते हैं या जो 94,000 बताए जाते हैं वो वास्तव में 80,703 पद हैं। इन्हीं 80,703 पदों पे भर्ती चल रही है छठे चरण की, ठीक है, क्योंकि ये 2020 से 21 तक की अवधि का कुल स्वीकृत पद है, इससे ज़्यादा भी कोई पद स्वीकृत नहीं हुआ है और अभी आप देख रहे हैं कि 2022 अब लगा है, ठीक है। अब 90,762 में से जो छठे चरण की प्रक्रिया जो बताई जा रही है, जो चल रही है, जिसमें जो है 90,762 पद बताए जा रहे हैं, कभी इनको 94,000 बताया जाता है, कभी 92,000 बताया जाता है, कभी 90,000 बताया जाता है, तो 90,762 पद में से 38,014 या फिर आप लगभग 40,000 अभ्यर्थी थर्ड फेज की काउंसलिंग को मिला करके 40,000 अभ्यर्थी लगभग जो है सेलेक्ट हुए हैं 1 से 5 में और 6 से 8 में, ठीक है। अब इसमें जो है 52,758 अभ्यर्थी जो है अगर जो है 90,762 से 38,014 घटा दिया जाए तो 52,758 पद बच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो पद जो बच रहे थे 80,703 पद, इसमें हाई स्कूल भी भर्ती होनी थी, इंटर की भी भर्ती होनी थी, 1 से 5 की भी होनी थी, 6 से 8 की भी होनी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया गया, 80,703 को टोटल 90,762 या 94,000 शिक्षक भर्ती मान करके, ठीक है, ऐसा मान करके, ये मतलब हम मान रहे हैं, वैसे ये है नहीं एक्चुअल 80,703 में जो आपकी छठे चरण की जो बहाली चल रही है 32,000 पदों के लिए, उनको भी इसमें आप घटा लीजिए अगर आप घटा सकते हैं तो, मतलब ये 80,703 जो पद ये जो बचे हैं इस पद स्थापित होने के बाद, इन पर 2020-21 तक बहाली होनी थी और इसमें 6 से 8 और 1 से 5 और हाई स्कूल इंटर सब शामिल है, तो 32,000 छठे चरण की वो चल रही है, 94,000 ये चल रही है, तो 94,000 सीटें एक्चुअल नहीं है, जो सिलेक्शन आपको दिखाया जा रहा है 38,014 या 40,000 वही एक्चुअल है। अगर आप 40,000 मान लीजिए और 32,000 हाई स्कूल इंटर की मान लीजिए तो आपको 72,000 एक्यूरेट फिगर बिल्कुल आ जाएगा, आपको लगभग जो है 72,000 इसी फिगर के करीब आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 90,762 में से 38,000 अगर हाईस्कूल हटा देते हैं
38,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, तो 52,758 पद जो है बच रहे हैं। 80,703 पद जो है इनमें से 40,518 पद जो है प्रत्यार्पित हुए हैं प्रधान शिक्षक के लिए, ठीक है। 80,703 पद जो यहां बच रहे थे, 40,518 पद क्या कर दिए गए हैं, प्रत्यार्पित कर दिए गए हैं। और इन 40,518 पदों पे प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए थी 1 से 5 और 6 से 8 की, ठीक है। इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है प्रधान शिक्षक पद के लिए। अब 40,185 जो शेष है, ठीक है, 40,185 जो है इसको घटाइएगा तो इतना आएगा, ठीक है। 40,518 पद तो निकाल दीजिए, तो 80,703 पदों में से 40,185 या फिर 40,518 को आप 52,758 में से घटा दीजिए जो शेष पद बच रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से निकल रहे हैं वो पद, ठीक है। तो 40,185 पद बच रहे हैं, या आप इसको 52,758 भी कह सकते हैं। और यही वे पद हैं, ये 40,185 या 52,778 यही पद हैं जो प्रत्यापित हुए हैं प्रधान शिक्षक के लिए। तब ये बताइए कि आपको छठे चरण की बहाली में एक भी पद नहीं बच रहा है, यानी कि 94 शिक्षक बहाली में एक भी पद नहीं बच रहा है, सारी सीटें जो हैं शून्य हो जाएंगी। आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि सीटें बच रही हैं या नियोजन इकाइयों में सीटें हैं। अगर सीटें होती, अगर नियोजन इकाइयों में इतनी सीटें होती तो अभी 5वें चरण की भी काउंसलिंग होती, 4थे चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण तक इनको कराना पड़ता, जैसे इन्होंने पिछली बार कराया था। तो कहने का मतलब है कि जो रियलिटी है ग्राउंड पे, ये जो 90,000 का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जो 94,000 का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वो एक्चुअल में 90,000 94,000 है नहीं, ये आपको समझना होगा, ठीक है। 2006 से लेकर के 2020-21 तक उतने ही पद स्वीकृत हैं, 1,65,336, और इसमें 1 से 5, 6 से 8 हाईस्कूल इंटर सब शामिल हैं, जिसमें से 84,633 पदों पर भर्ती की जा चुकी है, और 80,703 पदों को 94,000 या 90,762 या 32,000 जो है माध्यमिक चुनाव को बताकर के उस पर भर्ती चल रही है। और इसी 80,703 में से 40,518 पद जो है प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रत्यार्पित कर दिए गए हैं। तो अब बचा क्या, अब कुछ नहीं बचा, शेष जो है जीरो बचता है, यानी कि 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले तो सीटों की कैलकुलेशन करनी होगी इनको नए सिरे से, और उन सभी विद्यालयों को इसमें शामिल किया जाएगा जहाँ पर या तो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, या फिर जो है नए उत्क्रमित विद्यालय हैं, या जहाँ पर नए नगर निकाय का गठन हुआ है वहाँ पर जो विद्यालय खुलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस पर जो भर्ती आएगी, जो प्रस्तावित पद होंगे, वो जून तक आ पाएगा, इससे पहले नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सारा डाटा जो है कैलकुलेट करने में इतना समय आराम से लग जाएगा, बिल्कुल मार्च अप्रैल इनका पूरा मई तक चला जाएगा। और ये भी खास तौर से देखना होगा कि अभी जो बजट आएगा बिहार का, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए 7वें चरण के लिए बजट का प्रोविजन है कि नहीं है। अगर बजट का प्रोविजन है तब तो ये भर्तियां निकलेंगी, और अगर नहीं है तो फिर ये नहीं निकलेंगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि इसमें जो है 2020-21 तक के हाईस्कूल इंटर के पद शामिल हैं। तो 7वें चरण के लिए जो कहा जा रहा था कि 37,000 पद वो दिखाए जा रहे थे, वो प्रस्तावित हैं, वो अनुमोदित नहीं हैं या अधियाचित नहीं हैं, वो प्रस्तावित पद हैं। और 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों का तो पता ही नहीं कि वो कितने हैं। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा बीएड के कितने टोटल अभ्यर्थी हैं या डीएलएड के अभ्यर्थी बिहार में कितने हैं, और बिहार टेट, एसटेट और सीटेट पास अभ्यर्थी कितने हैं, दो वीडियो और मैं लेकर आऊँगा। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।